तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आप एक BSNL का रिटेलर हो फ्रेंड्स और आप जो है BSNL का सिम कार्ड एक्टिवेट करते हो, लेकिन फ्रेंड्स आप जो है अपना संचार ऐप का पासवर्ड भूल गए हो, तो कैसे जो है आप अपना संचार ऐप का पासवर्ड को जनरेट कर पाओगे, कैसे आप अपना न्यू पासवर्ड बना पाओगे, वो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही काफ़ी आसान तरीका, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बट फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, में नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में जो भी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के लाभ ले पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे, आपको जो है फुल प्रोसेस को बतलाने के लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आपको जो है अपना संचार ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपना संचार ऐप एप्लीकेशन ओपन करते हो फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है ऊपर में यहाँ पे आपका लापू नंबर आ जाता है, नीचे आपको पासवर्ड मांगा जाता है फ्रेंड्स। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो फ्रेंड्स, तो आप कैसे आप अपना पासवर्ड को जनरेट कर पाओगे, उसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी जो है आप समझ पाओगे कि कैसे आप अपना पासवर्ड को जनरेट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बता देता हूं कि कैसे आप अपना पासवर्ड को जनरेट कर पाओगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको नीचे यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक बार फॉरगेट पासवर्ड पे टैप करते हो, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आता है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर आ जाता है, आपका लापू नंबर, और यहाँ पे एक कैप्चर आ जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको कैप्चर नहीं समझ आता है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे टैप कर सकते हो, यहाँ पे कैप्चर चेंज हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको कैप्चर समझ आ रहा है, सही तरीके से आप कैप्चर को पढ़ पा रहे हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंटर टेक्स्ट फॉर अबाउट पे यहाँ पे आपको जो है कैप्चर को फिल करना है। जो कैप्चर आपको ऊपर में दिया हुआ है, वही कैप्चर को सेम यहाँ पे नीचे भर देना है। ध्यान रहे कि आपको जिस तरह से कैप्चर लिखा हुआ है, जैसे कि स्मॉल या फिर कैपिटल, जैसा भी लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको नीचे लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कैप्चर को फिल कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एन छोटा है, पी बड़ा, एन छोटा है, पी छोटा है, और ओ है बड़ा, और जे है छोटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है कैप्चर को सही तरीके से फिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप भी कुछ इस प्रकार से कैप्चर को फिल कर लोगे और यहाँ पे गेट पासवर्ड पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे गेट पासवर्ड पे टैप करते हो फ्रेंड्स, तो आपका जो जिस नंबर से आपका संचार ऐप लॉगिन किया गया है, जिस नंबर से आपने संचार ऐप को लॉगिन किया होगा, उसी नंबर पर आपको एक पासवर्ड जनरेट होकर जाएगा, जो 4 डिजिट का होगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ से मैसेज चला गया है, थोड़े ही देर में जो है हमारा जो संचार ऐप जिससे हमने लॉगिन किया है, उसमें एक पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप भी वेट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा जो है नेक्स्ट मोबाइल पे यहाँ पे OTP जो है जनरेट होकर आ चुका है। जो पासवर्ड मैंने यहाँ से जनरेट किया है, वो पासवर्ड हमारा जनरेट होकर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं मैसेज में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक जो है पासवर्ड जनरेट होकर आ चुका है, वो पासवर्ड को चलिए यहाँ पे डाल देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट होकर आएगा, जो आपने रखा होगा, जो आपने पहले रखा है वही पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पासवर्ड आपका चेंज नहीं होगा, जो पासवर्ड आपने पहले रखा था वही पासवर्ड आ जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो पासवर्ड आपने रखा था वही पासवर्ड यहाँ पर आपको जनरेट होकर आ जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है 7 डिजिट का यहाँ पे हमने पासवर्ड रखा था, तो यहाँ पे 7 डिजिट का जो है पासवर्ड हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, लॉगिन पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स लॉगिन पे टैप करते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा जो है संचार ऐप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। तो कुछ आप इस प्रकार से फ्रेंड्स आप भी अपना पासवर्ड को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है संचार ऐप में कुछ इस प्रकार से आसान तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटिव कोई सवाल या सुझाव हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।